बहुत दिनों के बाद ये रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट डिनर दोनों में आप इसे खा सकते हैं एकदम सॉफ्ट मुलायम एकदम बनते हैं और बनाने का जो तरीका है एकदम अलग है और एकदम आसान तरीका से आज हम बनाना बताएंगे तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दो कप भर के चावल का आटा अगर चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को पोछ कर उसको पीस कर आटा बना कर ले सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और एक छोटी चम्मच के लगभग में तेल डाल देंगे तेल डालने से लंबे समय तक एकदम मुलायम सॉफ्ट बने रहेंगे और सभी चीज़ों को पहले अच्छा से हम मिला लेंगे तो आटा में अच्छा से मिल गए हैं अब हम हल्का गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम आटा में मिलाएंगे तो पानी गर्म है इसलिए हाथों से नहीं मैं मिला रही हूँ चम्मच से मिला रही हूँ ताकि हाथ जले ना तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे अगर एक ही बार आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा क्या होगा ना बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा में हम चम्मच की मदद मतलब से मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर चम्मच से मैंने अच्छा से मिला लिया आप देख सकते हैं अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे अगर जरूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं अगर नहीं जरूरत पड़े तो नहीं डाल डालें पानी अब हाथों से मसल मसल कर हम इसे गूंथ कर तैयार करेंगे अभी हल्का हल्का ये गरम है हल्का हल्का गरम ही गूँथिएगा जिससे हमारी जो आटा है ना बहुत ज़्यादा मुलायम एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे क्योंकि चावल का आटा है चावल का आटा में हल्का गुनगुना पानी डालकर गूंथो तो आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एकदम मुलायम बनते हैं आप चाहे रोटी पराठा पूड़ी भी बना सकते हैं इस आटा से तो यहाँ पर आटा को मैंने अच्छे से गूथ लिया है एकदम मुलायम सॉफ्ट आटा को लगाना है इस तरह से तो मैं दिखा रही हूँ देख सकते हैं एकदम मुलायम आटा मैंने लगाया है आटा बिल्कुल तैयार है अब इसका हम पेड़े के सेप में इस तरह से बना लेंगे तो थोड़ा इसको मैं लंबे साइज में पेड़े के शेप में बना ली हूँ इस तरह से इस तरह से बनाने के बाद में अब हम दो तरीका से बताएंगे इस नाश्ता को बनाने के लिए तो यहाँ पर पहला नाश्ता मैं बना रही हूँ सीओ मेकर मशीन से इससे बहुत जल्द बन जाती है अगर आपके पास सीओ मेकर मशीन नहीं है तो दूसरा तरीका मैं बनाना बताऊँगी उससे भी आप बना सकते हैं बहुत जल्द बन जाती है तो पहला तरीका मेरा यह है कि मैंने स्यो मेकर मशीन लिया है थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर तेल लगा देंगे ताकि ये जो आटा हम इसमें डालें तो चिपके ना और आसानी से निकल जाए तो यहाँ पर दो पेड़े को डाल देना है शेव मेकर मशीन में और इसका जो ढक्कन है यानी पेज है ना बंद कर देना है तो एकदम टाइट बंद करना है ताकि जब पेज को डलाए तो बिल्कुल भी खुले ना ये देखिए मैंने अच्छा से इसको बंद कर दिया है ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं अब हम पेज को डुलाते जाएंगे और थाली में इसको पहले हम बनाते जाएंगे तो यहाँ पर मैं पहले थाली में बना लूँगी सभी नाश्ता को उसके बाद में हम आगे बनाऊँगी तो यहाँ पर आप चाहे तो बड़े बड़े साइज में मतलब थोड़े ज़्यादा ज़्यादा साइज में भी बना सकते हैं या थोड़े कम कम साइज में भी बना सकते हैं जैसे जैसे आप पेज डुलाते जाएंगे एकदम लूडल्स की तरह बनकर तैयार होंगे तो मैं ये लूडल्स नहीं बना रही फ्रेंड वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी काफ़ी हेल्दी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं तो यहाँ पर इस तरह से मैं सभी नाश्ता को बना लूँगी एक नाश्ता को उठाएँगे वापस हम जाली की छलनी में इसे हम रख देंगे इस तरह का बर्तन तो सबके घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं तो मैं दो तरीका से बनाना बताऊंगी आप लोग को एक तो आप जाली की छलनी में भी बना सकते हैं रखकर और दूसरी इडली मोल्ड में भी मैं रखकर बनाना बताऊंगी कैसे उसमें आप बना सकते हैं तो यहाँ पर सभी नाश्ता को मैंने सेट कर दिया है और थोड़ा नाश्ता बचा हुआ है तो मैं इडली मोल्ड में उसे रख कर बना लूँगी आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं या इडली मोल्ड में भी रख कर बना सकते हैं तो यहाँ पर मैं इडली मोल्ड ली हूँ अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे और बरस या चम्मच से हम अच्छा से लगा देंगे ताकि नाश्ता निकालने में आराम रहे और आसानी से निकल जाए तो यहाँ पर हम इडली मोल्ड के ढांचा में नाश्ता को हम रख देंगे इस तरह से तो हमारी दूसरी तरीका बनकर तैयार हो गई है अब इसे हम साइड में रख देते हैं वापस हम इडली मोल्ड लेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा आटा को गोला बना लिए हैं अब एक कद्दूकस लेंगे कद्दूकस के ऊपर हम इस तरह से खींचेंगे ना तो पतला पतला नूडल्स की तरह निकलेगी बहुत जनी के घरों में श्यो मेकर मशीन नहीं रहता है तो इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से बनाने से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा बढ़िया बनते हैं वीडियो पूरा देखिएगा मैं बार बार आप लोग को बता रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होते हैं मंगलियों से सेट से कर देंगे जो बाहर की तरफ फैला हुआ है ताकि अंदर सभी अच्छा से सेट हो जाएं। वापस दूसरे ढांचा में हम इसी तरह से बना लेंगे उंगलियों से घिसेंगे इसको और ये देख सकते हैं पतले पतले लूडल्स की तरह यानी सेवैया की तरह निकल रहे हैं और इसे ना सेट करते समय दबाना बिल्कुल भी नहीं है हल्के उंगलियों से इसे अच्छा से सेट कर देना है ताकि सभी जो लूडल्स हैं ना बीच में ढांचे में आ जाए और सभी नाश्ता को इसी तरह से हम बना लेंगे और साथ में आप लोग को याद भी दिलाते चल रही हूँ कि आज की हमारी अगर चावल की आटे की ये रेसिपी आप लोग को पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे जो फ्रेंड नए नए आए हुए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत का तुरंत मिले तो सभी ढांचों में मैंने कद्दूकस करके भर दिया है और अच्छा से मैंने सेट भी कर दिया है बनाने के लिए तैयार है चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर मैं रख दी हूँ पानी गर्म होने के लिए पानी में हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है उसके बाद में एक एक इडली मोल्ड को हम रख देंगे पानी के ऊपर इस तरह से अब उसके ऊपर हम जाली की छलनी वाला बर्तन रख देंगे और किसी थाली प्लेट या लीड से इसे हम ढक कर छः से सात मिनट तक गैस का फ्लेम हाई करके इसे हम पका लेंगे ये बहुत जल्द बन जाते हैं फ्रेंड क्योंकि पतला पतला बना हुआ है बहुत जल्द बन जाते हैं और इस नाश्ता से खाने के लिए मैं बना रही हूँ एकदम सा टमाटर की चटनी तो यहाँ पर मैं दो पका हुआ टमाटर ली हूँ टमाटर को धो लेना है और इसका जो डंठल वाला भाग है ना थोड़ा थोड़ा कट कर देना है और इसे बड़े या छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेना है बहुत बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो जाती है आप चाहे तो इस नाश्ता से भी खा सकते हैं या तो रोटी पराठा पूड़ी या दाल चावल या कचौड़ी पकौड़ी के साथ भी इस चटनी को खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में ये चटनी हमारे घर में ना सभी को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि दाल चावल के साथ भी ये चटनी बनवाते हैं टमाटर को मैंने काट लिया है थोड़ा सा मैं धनिया की पत्ती ली हूँ धनिया की पत्ती को मैं डंठल सहित ली हूँ उसको भी हम काट लेंगे और साथ में तीखा के लिए मैं हरी मिर्च ले रही हूँ दो तीखा आपको कितना पसंद है उसके हिसाब से ले सकते हैं तो इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हरी मिर्च की जगह पे आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हरी मिर्च डालने से ये चटनी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती हैं तो जहाँ तक हो सके हरी मिर्च डालिएगा अब हम एक ग्रैंडिंग जार में उठा लिए हैं टमाटर धनिया हरी मिर्च को अब इसमें हम डाल देंगे सूखा नारियल यानी कोकोनट तो मैंने यहाँ पर आधा नारियल को मैंने घिस कर डाला है आप चाहे तो नारियल का गुरादा ले सकते हैं या कच्ची नारियल थोड़ा सा ले सकते हैं थोड़ा सा हम लहसुन डालें यानी दो से तीन लहसुन मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद है आप चाहे इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या ऐसे पीस सकते हैं टमाटर में बहुत सारी पानी होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको और पतला रखना है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा तो ये चटनी तैयार हो गई है बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है हल्का सा दर दरा पीसना है चटनी को साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हमारी जो नाश्ता है बनकर तैयार हो गए हैं चेक कर लेते हैं ये देखिए छः से सात मिनट का समय हो गया है नाश्ता बहुत अच्छा से पक गए हैं गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और निकाल लेंगे इसे सर्व करने के लिए ये देखिए अभी मैं आप लोग को निकाल कर भी दिखा रही हूँ बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं बिल्कुल भी नहीं चपकते हैं देखिए बहुत ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट बने हैं प्लेट लगा लेते हैं खाने के लिए ये देखिए मैं प्लेट लगा रही हूँ इस नाश्ता को आप डिनर लंच दोनों में खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये नाश्ता खाने में और बहुत जल्द बन भी जाती है चलिए चटनी भी लगा लेते हैं इस चटनी के साथ में ये नाश्ता इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है खाने में कि एक बार आप बनाकर खा लिए तो आप रोज़ रोज़ सोचेंगे बनाने के लिए तो हमारी जो प्लेट है लग चुकी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इस नाश्ता को मैं ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों में खा लेती हूँ पेट भरकर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और बिना तेल का ये नाश्ता है तो आप लोग जरूर से ट्राई करिएगा आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो जो हम दूसरी नाश्ता बनाए थे इडली मोल्ड में वो मैं दिखा रही हूँ ये देखिए एकदम इडली की तरह बनी हुई है एकदम नरम सॉफ्ट और बहुत जल्द ये निकल भी जाती है इटली मोल्ड से और एकदम जालीदार भी बनती है अभी मैं आप लोग को तोड़कर भी दिखा रही हूँ ये देखिए एकदम जालीदार बने हुए हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो चावल का आटा का ये नाश्ता आप झटपट से बना सकते हैं बहुत जल्द बन जाते हैं बिना मशीन का भी बना सकते हैं और ये जो टमाटर की चटनी मैंने बनाया है इस नाश्ता के साथ में ज़रूर से ट्राई करिएगा आप लोग को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा धन्यवाद